दमोह जिले के पथरिया में नगर परिषद अध्यक्ष के लिए एसडीएम कार्यालय में निर्वाचन प्रक्रिया हुई, जिसमें भाजपा समर्पित रश्मि सुंदरलाल विश्वकर्मा अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष शोभा रानी संतोष दुबे को बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि रश्मि सुंदरलाल विश्वकर्मा इससे पहले कांग्रेस और उससे पहले बसपा में थी। उन्हें 8 मत मिले, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए शोभा रानी संतोष दुबे को 9 मत मिले। प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष पद के लिए रश्मि सुंदरलाल विश्वकर्मा तो राकेश साहू ने अपने नामांकन दाखिल किए थे। नव निर्वाचित अध्यक्ष पहले बसपा में थी। निकाय चुनाव में वार्ड 6 से पार्षद चुनी गयी। शुक्रवार को भी उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव पटेल और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ली। निर्वाचन प्रक्रिया के बाद अध्यक्ष की घोषणा की गई, लेकिन उसके बाद सुंदरलाल विश्वकर्मा का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने की बात कही। दूसरी तरफ भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता शोभा रानी संतोष दुबे को उपाध्यक्ष घोषित किया। मैं ये कहूँगा कि पथरिया की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और जो विकास के काम किए हैं, कुटीरें दी हैं, सड़क दी है, गरीबों को अनाज दिया है, कोरोना में माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने 6-6 महीने 2-2 साल के लिए गरीबों को अनाज दिया है, ये आज उसकी सफलता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कारण आज ये सुंदर विश्वकर्मा बीजेपी से नगर परिषद पथरिया के अध्यक्ष चुने गए और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में सदैव सहयोग रहा और सुंदरलाल विश्वकर्मा ने शपथ लेके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और ये कहा मैं सदैव पार्टी की सेवा नीति नीतियों का विस्तार और विकास करेंगे जिसमें हमारी पार्टी मजबूत हो। कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं कि ये तो कांग्रेस का है, ये तो उसका है, परंतु इनको परेशान भी किया गया, इसके बाद भी इनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद इन्हें ये पुरस्कार मिला के ये नगर परिषद के अध्यक्ष बने और सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इनका सहयोग किया गया और इनके लिए बनाया गया और आज 15 वोट भारतीय जनता पार्टी के मतलब कुल 15 पार्षद थे, जिसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी को सुंदर विश्वकर्मा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद 8 वोटों से ये विजयी हुए हैं पार्टी के, ये और हम सदैव आभारी हैं, ऐसे ही मार्गदर्शन और कृपा बनी रहे और जी। और इसके बाद जो उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था उस 15 वोटों में से 9 पार्षद की वोटें उपाध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी में मिली है, ये पार्टी की बहुत बड़ी सफलता है और सदैव पार्टी की नीति नीतियों का और नेताओं का मार्गदर्शन करती रहेंगी और गरीब जनता की सेवा करती रहेंगी और जन जन तक पार्टी की आवाज़ पहुँचाएंगी ताकि पार्टी मजबूत हो। जी कहने का सबसे प्रथम तो मैं पंडित श्री संतोष दुबे जी को बहुत श्रद्धा से धन्यवाद उनके चरण स्पर्श करते हैं कि उन्होंने समय पर हमें बीजेपी ज्वाइनिंग कराई और बीजेपी के समर्थन से हमें अध्यक्ष बनाया और मैं बीजेपी में रहूँगा, सबको साथ लेके चलूँगा। पीछे आ जाएंगे, पीछे पीछे आ जाओ। बोलो जी, बताएं अध्यक्ष जी। आज हमने पंडित श्री संतोष दुबे जी के निर्देशन अनुसार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग की है और हमारे देश के प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच और जनता की भलाई के जितने भी उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, योजना चल रही है, उनको जन जन तक हम पहुँचा दें। प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं और पंडित जी की और भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइनिंग की है और भारतीय जनता पार्टी की नीति और जो जितनी भी योजना है, जन कल्याण योजना, जन जन तक पहुँचाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शहर की फिजा बिगाड़ने का काम जिन लोगों ने किया था, आज मैं अपने उन पार्षदों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने उन ठगों के गठबंधन को असफल कर दिया। हमारी आस्था, हिंदुओं की आस्था, गंगा जी और नर्मदा जी को बदनाम करने का जिनका काम किया था, उनको आज हमारे इन पार्षदों ने ध्वस्त कर दिया है। मैं उन पार्षदों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एक शानदार निर्णय लिया है और उस नगर का विकास होगा। पूरी ताकत के साथ हम सब लोग विकास करेंगे।